हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज गुरु नीति फॉर आईआईटी जेई के एपिसोड 5 में मैथमेटिक्स में हम लोग लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज की कुछ प्रॉब्लम्स। माय सेल्फ चंद्र प्रकाश एंड माय सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो ओके चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। अभी आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ सारी टर्म देखो कॉस में है और यहाँ जो टर्म है वो साइन में है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लें कि साइन एक्स इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स। तो बस ये फंडा अपने यहाँ काम आएगा और इस पूरे को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कॉस में ये जो टर्म है बच्चों, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ कॉस टू द पावर 6x, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस टू द पावर 6x प्लस 3 टाइम कॉस टू द पावर 4x एंड सो ऑन। और उसको गौर से देखने पे आपको पता लगेगा कि ये बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है, ठीक है ना सर? यस yes. और अब अपने को क्या करना चाहिए, देखो इसको कंप्लीटली साइन एक्स में बदल लेना चाहिए, राइट? तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। सो दिस विल बिकम साइन एक्स प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1। अच्छा इधर आ जाओ, इसको क्या लिखेंगे भाई, यहां से साइन क्यूब एक्स क्यूब कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। और अब इन दोनों टर्म को मिला लेते हैं तो क्यूब ये अंदर जाएगा साइन मल्टीप्लाई होके बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स दिस इज 1। और इसका वैल्यू कितना गिवन है, स्टार्टिंग में 1, तो जैसे आप पुट करोगे 1 फाइनली यू गेट 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ tan x upon 2 equal to tan y upon 3 equal to tan z upon 5 और कंडीशन गिवन है आपको x plus y plus z equal to 5, देन आपको tan square x plus tan square y plus tan square z equal to गिवन है 38 upon k, तो आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके तो देखो क्या करना है इसमें, आपको tan x upon 2 equal to tan y upon 3 equal to tan z upon 5 है, इसको आप कंसीडर करो let lambda, इसको आपने किसके इक्वल ऐड किया, lambda के इक्वल। तो फर्स्ट और लैम्डा से क्या मिल गया आपको, टेन एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा, सिमिलरली टेन वाई इक्वल टू 3 लैम्डा एंड टेन जेड इक्वल टू आगे बेटा 5 लैम्डा। अभी आपको गिवन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर पाई हो तो वी नो दैट टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड इक्वल टू टेन एक्स टेन वाई टेन जेड। आप क्या करो, इसका टेकिंग बोथ साइड 10 लोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये आ गया टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड इक्वल टू टेन एक्स टेन वाई ऑफ टेन जेड। अब आप इसमें क्या करो, ये जो आइडेंटिटी है सर ना, ये अगर यहां पाई की जगह पाई का मल्टीपल हो, हाँ पाई का मल्टीपल हो तब भी वैलिड है, वैलिड है, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यानी इस क्वेश्चन में अगर अपन यहां पे एन पाई कर दें उस केस में वैलिड है, उस केस में भी आंसर सेम रहेगा, तो उसको याद रखिएगा, ये ट्रायंगल में भी वैलिड होती है। तो आप 10x 10y 10z की वैल्यू पुट करो तो इनका एडिशन क्या आ गया, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा इज 10 लैम्डा इक्वल टू, अब क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 5 3 2 का मल्टीप्लाई आ गया बेटा 30 ऑफ लैम्डा क्यूब। अब इसमें देखो क्या करना है आपको, 10 से 10 कैंसिल करोगे तो ये आ गया 3 लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा 0, आप सबको वन साइड में कन्वर्ट करो, तो इससे जब लैम्डा कॉमन लोगे तो दिस इज 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, देन लैम्डा इक्वल टू 0 और एक आ गया लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब इसमें देखो बेटा, जब आप लैम्डा को 0 पुट करोगे तो 10x 10y 10z ऑल 3 आर 0, बट जब आप 10x 10y 10z को 0 पुट करोगे तो ये आ गया कि 0 इक्वल टू 38, इट इज नॉट पॉसिबल, तो आपको लैम्डा को 0 कंसीडर नहीं करना है, तो क्या करना है लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब आप 10x 10y 10z की वैल्यू पुट करो 2 लैम्डा 3 लैम्डा और 5 लैम्डा, तो उसको पुट करने पे देखो क्या आ गया, जब आप स्क्वायरिंग करके पुट करोगे तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट में आएगा बेटा 4 प्लस 9 प्लस 25 दिस इज 38, क्या आ गया बेटा 38 और इक्वल टू आपको गिवन है 38 अपॉन के, 38 से 38 कैंसिल और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1/3, तो 1/3 इक्वल टू आ गया 1/k, देन k इक्वल टू 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके जी देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है,
पहले आया हुआ है। और देखिए टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू 2 कॉस 2x प्लस 9, और उससे आपको वैल्यू निकालनी पड़ता है कॉस 4x की, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखो जो ध्यान देने वाली बात है ना, वो ये एंगल x में है, यहाँ पे 2x है और यहाँ 4x है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इनको कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस 2x में। तो आ जाओ देखो मेरे साथ आ जाओ। अच्छा देखो लिखने में अपने को सुविधा, इसलिए मैं टी मान लेता हूँ बच्चों थोड़ी देर के लिए, कॉस 2x, करेक्ट। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x, ओके। और कॉस स्क्वायर एक्स को लिखे अगर कॉस 2x की फॉर्म में तो क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। सामने की तरफ चलते हैं, ये हो गया 2t प्लस प्लस 9। अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना और टी की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसानी से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देखो आप ये हो गया 5, इधर एलसीएम ले लेते हैं अपन, 2 टाइम 1 प्लस टी, देखते रहिएगा साथ साथ, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यू गॉट माइनस 2t माइनस 2t और माइनस 1, ये देखिए ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, 2t, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी प्लस 9। चलिए जी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस 2t माइनस 2t हो गया माइनस 40 और हो गया देखो माइनस का टी स्क्वायर। इस टर्म को अपन सामने ले चलते हैं, तो ये हो गया 2 टाइम दिस मल्टीप्लाई विद दिस, इनको मल्टीप्लाई करोगे देखो आएगा 2t स्क्वायर, उसके बाद आएगा 90 प्लस 2t यानी कि 11t और आ गया प्लस में 9। तो कुछ भी नहीं है, बस एक क्वाड्रेटिक बना के उसको सॉल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएंगे, देखते हैं क्या आता है। 5t स्क्वायर 4t स्क्वायर मिला के हो गया बच्चों 9t स्क्वायर, ओके। यहाँ देखिए 22t है और इधर से माइनस 20t इधर आके ऐड हो जाएगा प्लस 40, तो प्लस का हो गया ये 42 हो गया 42, हाँ जी। और ये हो गया 9 × 2 कितना 18 और इधर है 5 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 13 = 0। अब कर लेते हैं बच्चों इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर हो गए देखो 3t और ये 13 और यहाँ पे 1 और माइनस और माइनस। तो इससे तुम्हें देखो टी का वैल्यू मिला बच्चों, एक तो मिल गया तुम्हें यहाँ प्लस आएंगे राइट, प्लस में है 42t तो माइनस 1/3 और माइनस 13/3। अब देखो ये तो पॉसिबल वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि टी क्या अपना कॉस 2x है, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज माइनस 1/3। अब ये किसकी वैल्यू हुई, कॉस 2x की, तुम्हें चाहिए कॉस 4x, तो सीधा सा फॉर्मूला है कॉस 4x इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस स्क्वायर 2x यानी कि 1/9 माइनस 1, सिंप्लीफाई करने पे आ गया माइनस 7/9। तो बिल्कुल ये देखिए फोर्थ ऑप्शन जो आपका करेक्ट है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन 3 अपॉन sec 2 थीटा प्लस 4 अपॉन cosec 2 थीटा इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा 1 * tan थीटा 2। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको जो इक्वेशन गिवन है बेटा इसको सोल्व करके आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो tan थीटा 1 में या tan थीटा में, तो उसके बाद जो थीटा 1 थीटा 2 इसके क्या होंगे रूट्स। तो चलो करते हैं इसको ट्राई, तो sec 2 थीटा को जब न्यूमरेटर में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज cos 2 थीटा, तो ये आ गया 3 cos 2 थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा इक्वल टू 5। अब आपको tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू के लिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करो कंप्लीटली tan थीटा में, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 8 टाइम्स ऑफ tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं अपन, तो देखो इक्वल टू इसको 3 से मल्टीप्लाई है और ये जो LCM है इसको 5 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि LCM दोनों का सेम है, तो दिस इज 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा और इक्वल टू क्या गया 5 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या होगा 5 प्लस 5 ऑफ
टेन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें आगे, तो देखो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को जब राइट में शिफ्ट करोगे तो ये टोटल होगा एट टेन स्क्वायर थीटा, और राइट में इसको शिफ्ट किया तो माइनस के एट टेन थीटा, एंड प्लस थ्री को राइट में शिफ्ट किया तो क्या आ गया फाइव माइनस थ्री इज प्लस ऑफ टू इक्वल टू जीरो। और देखें सभी इसमें इसमें टू कॉमन आके क्या कर सकते हो कैंसिल, तो जब टू को कैंसिल करोगे तो दिस इज फोर टेन स्क्वायर थीटा माइनस फोर टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बेटा कन्वर्ट कर सकते हो, तो दिस इज टू टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और होल स्क्वायर की वैल्यू जीरो कब होगी व्हेन दिस पार्ट इक्वल टू जीरो देन टेन थीटा इक्वल टू वन बाई टू। अब क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि टेन थीटा इक्वल टू वन बाई टू के आपके पास टू वैल्यूज हैं थीटा वन थीटा टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो थीटा वन भी इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा थीटा टू भी, तो क्या आ गया बोलो टेन थीटा वन इज हाफ एंड टेन थीटा टू इज अगेन हाफ, और जब टेन थीटा वन टेन थीटा टू को आप वन बाई टू पुट करोगे तो फोर इंटू वन बाई फोर इज वन, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ओके देखो 1 प्लस 10 5 डिग्री 1 प्लस 10 10 डिग्री और ऐसे करके अप टू 1 प्लस 10 45 डिग्री तक है, और सिंपलीफाई करने पर 2 की पावर के आ रहा है, के अपने को पता लगाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इस टर्म को देखो 10 45 डिग्री का तो वैल्यू हम जानते ही हैं, तो ये टर्म तो 2 हो गई राइट। अब इधर आते हैं बाकी जो टर्म है ना उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जैसे मान लो ये पैटर्न है 1 प्लस 10 थीटा टाइम है ना, हर एक टर्म इसी पैटर्न में है, साइन कॉस में बदल ले अगर बच्चों इसको तो ये ऐसे दिखाई देगी आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेक्ट। अब यहां देखो ये तो कॉस थीटा है, ये जो टर्म है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आई होप आप सबको याद होगा, बहुत कॉमनली हम लोग इसको यूज करते हैं कि अगर मैं इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दूं और साथ में रूट टू से डिवाइड कर दूं तो वन बाय रूट टू कॉस थीटा प्लस वन बाय रूट टू साइन थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, दैट्स ऑल। अब इस फॉर्मूले को अपन यहां हर टर्म में लगा लेते हैं तो क्या होगा देखो 1 प्लस 10 5 डिग्री क्या बन जाएगा रूट टू इंटू कॉस ऑफ, और नीचे भी आएगा कॉस ऑफ, नीचे तो आएगा यही 5 डिग्री और ऊपर आएगा 45 माइनस 5 यानी कि 40 डिग्री। ऐसे इसको आप सब टर्म में लगाते चले जाओ, लास्ट टर्म देखो इससे पहले जो टर्म होगी ना उसमें होगा 10 40 डिग्री 5 कम इससे ना, तो उसमें नीचे आएगा cos 40 डिग्री ऊपर आएगा 2 टाइम cos 45 माइनस 40 यानी 5 डिग्री, ये रूट टू और ये रूट टू आएगा, तो ऐसे हर टर्म में एक रूट टू आएगा। ओके अच्छा देखो टोटल पहले तो देखो ये ब्रैकेट कितने हैं, ये देखिए 10 5 से लेके और इससे जस्ट पहले 10 40 तक, तो ये एपी है सिंपल सी 5 10 15, तो आप देख सकते हो इसमें टोटल 8 टर्म है, तो टोटल ये 8 ब्रैकेट है मेरे पास, हर एक ब्रैकेट में रूट टू है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट टू कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ भाई 8 times, साथ में एक 2 ये भी है, बची हुई टर्म का क्या हुआ वो आपको दिख रहा होगा देखो cos 40 cos 40 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे ये cos 5 डिग्री ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिमिलरली जितने भी मिडिल टर्म है वो सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, सो फाइनली ये कितना हो गया देखिए ये हो गया 2 power 4 और 2 power 1 ये हो गया 32, तो 2 power 5 यानी 32, तो k का वैल्यू कितना हो गया अपना 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तो फर्स्ट आंसर इसका हो गया। इसको करने का सर एक ऑप्शन और है अपने पास, हाँ जैसे लेट टू एंगल लेट ए और बी और ए प्लस बी का सम अगर अपने पास 45 है बिल्कुल, तो इसका जब बोथ साइड आप 10 लोगे तो एक सिंपल फॉर्मूला है जो अपन डेरिवेशन भी करते हैं कि 1 plus 10 b की वैल्यू ऑलवेज 2 यूज कर सकते हैं, तो देखो ये तो सिंपल 2 है, इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी 45, तो 45 और 5 40 और 5 अगेन 45 आ गया, मतलब एंगल ए और बी का सम क्या है 45 है, तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट का मल्टीप्लाई 2 होगा बिल्कुल 10 डिग्री है, उससे जस्ट प्रीवियस क्या होगी थर्ड टर्म 35 में लाके ना ऐसे ही कांसेप्ट में मेन चीज ये कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो एंगल का सम 45 है 45 डिग्री आ रहा है ना, अगर आप गौर से देखें ये भी इसको भी आप कन्वर्ट करके देखोगे वही साइन थीटा कॉस थीटा पैटर्न में, तो दोनों फॉर्मूले सेम है ना, वो साइन कॉस की पैटर्न में ये टेन की पैटर्न में, तो जो आप याद रख सके या डिराइव कर सके उसको यूज कर सकते हो, और मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको
एंगल पहचानना है कि कौन से दो एंगल का सम 45 है जिससे कि वो टर्म कैंसिल आउट हो सके। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ टेन 40 डिग्री प्लस 2 टेन डिग्री। तो इसकी वैल्यू को आपको अगेन टेन और कोट की टर्म में फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करना चाहिए इसमें, टेन 40 डिग्री प्लस, इसमें एक काम करो कि जो 2 टेन 10 डिग्री है इसको आप सिंगल सिंगल टर्म में ब्रेक करो। तो 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब आप इसको फर्स्ट और सेकंड टर्म को बेटा साइन कोस में कन्वर्ट करें, तो ये आ गया साइन 40 डिग्री अपॉन कोस 40 प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन कोस ऑफ 10। इसको आप थोड़ी देर के लिए एजिटी रखो, 10 ऑफ 10 डिग्री। जब आप फर्स्ट और सेकंड का एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा, साइन 40 डिग्री कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 40 साइन 10। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। तो क्या आ गया बोलो, साइन 40 प्लस 10 है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अपॉन एलसीएम लिख सकते हैं अपन कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री और प्लस 10 डिग्री को एजिटी रखो एक बार। तो देखो इसके बाद ये साइन 50 और कॉस 40 को लिख सकते हैं आप अगेन साइन 50, तो साइन 50 से साइन 50 कैंसिल, तो दिस इज 1 बाय कॉस 10 और साइन इस 10 10 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बोलो, साइन 10 अपॉन कॉस 10। तो सिंपल सा क्या हुआ इसमें कि न्यू डिनोमिनेटर में कॉस 10 क्या आ गया, एलसीएम। और जब कॉस 10 आप एलसीएम लोगे तो न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 10 डिग्री। अब इसके बाद देखें आप, ये अपन को आना चाहिए कि जब भी 1 हो तो 1 के साथ cos को अपन इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो बेटा sin 10 डिग्री को अपन लिख सकते हैं cos 80 डिग्री, बदल लेंगे इसको ना, तो 1 प्लस cos 80 डिग्री। अब 1 के साथ cos है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर 40 डिग्री। तो एक काम करें, इस cos 10 को डिनोमिनेटर में साइन 10 साइन में कन्वर्ट करो आप, तो कॉस 10 को साइन ले सकते साइन 80 डिग्री। तो क्या आ गया बोलो, इसको लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर 40 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर 40 अपॉन, और इसमें यूज करो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दिस इज 2 साइन 40 कॉस 40। 2 से 2 कैंसिल और 1 cos से 1 cos कैंसिल, तो फाइनल हो गया cos 40 अपॉन sin 40, दिस इज cot 40। अब आप अपने ऑप्शंस के देखें, ऑप्शन में cos 40 डज नॉट प्रेजेंट, तो cos 40 को आप 10 में क्या लिख सकते हो, tan 50 डिग्री। cos 40 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हो आप tan 50 डिग्री, फर्स्ट आंसर इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी बेसिकली अभी अब जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी टाइप के एक फंडे पे बेस्ड है ना, और वो क्या है देखो उस पर बात करते हैं। पहली चीज तो ये देखो, यहाँ भी रूट टू है और माइनस, यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं इसको, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ओके, और यहाँ हो गया बच्चों साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो अभी ये भी आपको पता है कि इसको हम रूट टू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट टू से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। फिर हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि हम अंदर वाली टर्म को साइन की फॉर्म में लिखें या कॉस की फॉर्म में लिखें। तो जैसा सर ने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1 को कॉस से कैंसिल करना बहुत ईजी होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब बेसिकली मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है ना जी। ये पैटर्न अगर हो तो ये क्या बन जाता है बच्चों, टेन थीटा बाय टू, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखा करें, बहुत काम की टर्म। तो यहाँ आ जाओ देखो, अब जैसे ये याद होता ना तो यार सोचने में आसानी हो जाती है अपने को। इसको तो रूट 2 रहने देता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं रूट 2, और फिर याद रखना इसको कॉस में लिखना है मेरे को। तो ये इस तरह से बन जाएगा 1 बाय रूट 2 साइन अल्फा प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस पाई बाय 4।
ओके नीचे आते हैं यहाँ पे। अब यहां देखिए, यहां अपने को साइन में बनाना है, इसको हम क्या लिखेंगे रूट टू, और साइन में क्या बनेगा ये अल्फा माइनस पाई बाई फोर। तो भैया ये रूट टू तो कॉमन लेके कट जाएगा, बचेगा क्या वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा टाइप टर्म, तो दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा बाई टू। यहाँ थीटा किसको बोल रहा हूँ मैं, अल्फा माइनस पाई बाई फोर, इसमें दो से डिवाइड कर दो तो अल्फा बाई टू माइनस पाई बाई फोर। तो अब देखो इसको कहाँ है आंसर, टेन अल्फा बाई टू माइनस पाई बाई एट, ये रहा। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ना। तो ये इस तरह का जो फॉर्मूला है इसको याद रखें आप, अक्सर यूज आता रहता है कई जगह ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर एट, द वैल्यू ऑफ सिग्मा एन इक्वल टू वन से 89 वन अपॉन वन प्लस टेन एन डिग्री का स्क्वायर। तो इस समेशन को सोल्व करना आपको, तो देखें वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को न्यूमेरेटर में cos स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन बन गया बेटा सिग्मा एन इक्वल टू वन से 89, ये टोटल 19 टर्म्स है, 89 टर्म्स cos स्क्वायर एन डिग्री। अब देखो समीशन को आप ओपन करोगे तो क्या है, कैसे cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 2 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन। तो जब भी cos की टर्म स्क्वायर के समेशन में हो तो आप कन्वर्ट करें इसको cos 2 थीटा की टर्म में, क्योंकि तो स्क्वायर के लिए अपन ने कोई फॉर्मूला रीड नहीं किया अभी तक। और अगर इसको समेशन में स्क्वायर को अगर 2 थीटा में कन्वर्ट करोगे तो ये इजीली बेटा AP का फॉर्मूला बनने वाला है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे 1 से 89 तो ये किस में कन्वर्ट होगा, समेशन के अंदर। तो देखें cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो ये आ गया सिग्मा n इक्वल टू 1 से 89 दिस इज 1 प्लस cos 2 n डिग्री बाय 2। तो क्या लिखेंगे बोलो, ये डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको तो आप सिग्मा से भाग ले सकते हो, और जब इस सिग्मा को 1 के साथ सेपरेट करोगे तो 1 से 89 सिग्मा 1, तो 1 को आप क्या करोगे 89 टर्म्स ऐड करोगे। तो ये तो आ गया बेटा 89 प्लस, अब n इक्वल टू 1 से 89 आप cos 2n डिग्री में पुट करो तो क्या आ गया बोलो, cos 2 डिग्री प्लस cos 2 पुट करने पे 4 डिग्री प्लस डॉट 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 अप टू सो ऑन। तो देखिए जरा, जब भी cos की टर्म समेशन में हो और एंगल क्या हो AP में, देखो ये 2 है ये 4 है नेक्स्ट 6 डिग्री होगा, तो जब cos समेशन में हो और एंगल क्या हो AP में, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लेट दिस इज अल्फा और इसका कॉमन डिफरेंस अगर बीटा है तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू सो ऑन, कि नंबर ऑफ टर्म्स लेट n है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा समेशन का बोलो, sin ऑफ n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाई टू, और अगर समेशन में कोस है तो इधर क्या लिखते हैं कोस, कोस ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एल्फा को 2 डिग्री पुट करना है और कॉमन डिफरेंस भी क्या इसका 2, तो एल्फा और बीटा को तो पुट करोगे इसमें 2 डिग्री, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें 89। तो चलो अपन इसको सेपरेट सोल्व करके देखते हैं। तो देखें सभी n 89 है बीटा 2 तो 2 अपॉन 2 1, तो ये आ गया साइन 89 डिग्री अपॉन 2 अपॉन 2 इज 1, तो ये आ गया साइन 1 डिग्री इनटू कॉस। देखें इधर आओ, अल्फा 2 है 89 1 88 और 2 बाय 2 इज 1, तो 89 और 2 क्या हो गया कॉस 90, और बेटा कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, इसका मीनिंग कॉस 2 से लेके अप टू 7 तक इसकी वैल्यू क्या होगी 0, 89 प्लस 0 89 बाई 2 इज, तो इसका आंसर आएगा बेटा 89 बाई 2। तो देखें आजकल जो देखो इस तरह के सीरीज के सवाल जो है ना पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं ऐसे कंटिन्यूसली जिसमें हमें सीरीज यूज करनी पड़ती है, उसका आंसर हो जाएगा 89 बाई 2। इसमें देखो सर है ना, ये इसको रिमूव कैसे करते हैं, ये भी एक बार में डाल दिया, तो इसको ना मेरे को लगता है कि अपन इसको यहां से ओपन करके देखें, जैसे ये cos स्क्वायर 1 डिग्री हो गया फिर cos स्क्वायर 2 डिग्री हो जाएगा, टोटल 89 टर्म है, यस है ना, तो लास्ट टर्म अपने पास हो जाएगी cos स्क्वायर 89 डिग्री।
इससे पहले कॉस स्क्वायर 88 डिग्री यो चलेगा। अब देखो कॉस स्क्वायर 89 है ना, वो साइन स्क्वायर 1 डिग्री होता है, यानी ये टर्म और ये टर्म मिलके 1 बन जाएगी। ऐसे ये टर्म और ये टर्म मिलके भी 1 बन जाएगा ना। और बीचों बीच जो टर्म होगी cos square 45 yes, yes. वो टर्म बची रह जाएगी क्योंकि उसका कोई जोड़ीदार नहीं होगा। हाँ तो टोटल 88 टर्म के तो पेयर बन जाएंगे, इतने पेयर, हर एक पेयर का वैल्यू 1 हो जाएगा और प्लस में 1/2 ये और आ जाएंगे। दिस इज 89/2। तो ऐसे भी देखा जा सकता है ना। और मैं तो देखो इतना ऐसे भी ये बीच वाले टर्म को भी नहीं देखता, सीधे देखता हूँ कि टोटल 89 टर्म है और पेयर बनाने पर वैल्यू 1 आ रही है, तो कितने पेयर बन जाएंगे 89/2 और हर पेयर का वैल्यू 1, तो आंसर हो गया 89/2। वो बीच में अपने आप एडजस्ट हो जाता है, उसको आप डबल लिख सकते हो। क्या है cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, अपने आप से पेयर बना के 2 से डिवाइड कर लिया, इस तरह से सोचा जा सकता है। तो सीधे 89/2 विदाउट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। हाँ लेकिन ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई एडवांस में मैंने देखा है कि एक दो क्वेश्चन लगातार इस पर सवाल आ चुके हैं और थोड़े लेंथी किस्म के सवाल भी आते हैं, जिसमें कई बार तो ऐसा हुआ कि एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 बार आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन तक इतना लेंथी क्वेश्चन था वो। हाँ उसमें ऊपर भी सीरीज थी नीचे भी सीरीज थी, ऊपर भी ये फॉर्मूला लगाना नीचे भी ऐसे ही। चलिए खैर अगले सवाल पे चलते हैं। ओके भाई देखो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा कि कैसे करना है। ऑब्वियस सी बात है जब भी आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम दिए गए हो ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज करें, सम को प्रोडक्ट में बदले, प्रोडक्ट दिए गए हो तो सम में बदले, उससे बहुत आसानी से सॉल्व होता है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके मैं यहाँ प्लस कर लेता हूँ ऐसे, तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे हम। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin C + D/2 C + D/2। तो जोड़ो इनको, देखो सी प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा, 108 / 2 करेंगे 54 डिग्री और साथ में आएगा कॉस सी माइनस डी बाई टू, सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको 61 में से 47, 14 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे 7 डिग्री। ओके ऐसे इधर आ जाओगे 2 टाइम और साइन सी प्लस डी बाई दोनों को ऐड करो 36/2 18 डिग्री और सब्ट्रैक्ट करोगे कॉस वही आ रहा है 14/2 यानी कि कॉस 7 डिग्री। हाँ इस तरह से जब पेयरिंग करते हैं ना तो ये थोड़ा पहले देख लेना चाहिए कि या तो इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम बराबर आना चाहिए या तो इनके डिफरेंस बराबर आने चाहिए, ताकि फिर हम आगे बढ़ा सके ना इस बात को। अब ये कॉमन आ जाएगा 2 cos 7 डिग्री, अब यहाँ रह गया साइन 54 डिग्री और माइनस साइन 18 डिग्री। अब वैसे तो आप चाहे तो और फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन देखो अपने को ये वैल्यूज तो पता होती है, है ना। साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या है, √5 - 1/4 और इधर इसका वैल्यू क्या है, √5 + 1/4। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जब इसको ऐड करूंगा 4, हाँ तो ये √5 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 1/4 और 1/4 ऐड हो गए 2 बन जाएंगे, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली यू गॉट cos 7 डिग्री। इसका आंसर आना चाहिए देखो cos 7 डिग्री आई थिंक ये रहा राइट। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल फॉर्मूला बट फिर भी वो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसमें अगर अपन को वैल्यू अगर याद नहीं हो तो आप एक काम कर सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि इन दोनों का समेशन और इन दोनों का समेशन सेम होगा, तो इसमें भी साइन सी प्लस साइन सॉरी 47 और 25 का समेशन और 61 और 11 का समेशन सेम है, तो फर्स्ट और लास्ट में सीडी फॉर्मूला यूज करें और सेकंड और थर्ड में सीडी, तो ऑटोमेटिक ये cos 7 आ जाएगा। आपको दो पेयर बनाने होंगे ना, तो सम सेम होना चाहिए ताकि आगे बढ़े या फिर डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो उसमें वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी बस बात नहीं, उसमें भी अपन आगे बढ़ सकते थे। हां सीडी फॉर्मूला आगे लगा सकते हैं, माइनस साइन दो स्टेप और हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, चलो यार। इफ 10α/2 एंड 10β/2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा। तो देखें आप, आपको 10α/2 और 10β/2 इसके रूट हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ रूट गिवन है आपके पास 10α/2 प्लस 10β/2 इज -b/2, दिस इज 26/8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 10α/2 इंटू 10β/2 आ गया c/8 15/8। तो आप क्या करो, जो cos अल्फा प्लस बीटा है इसको भी आप 10α/2 और 10β/2 की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 की टर्म में अपन यूज कर सकते हैं, 1 - 10² θ / 1 + 10² θ। तो देखें जो cos अल्फा प्लस बीटा है इसको आप राइट कर सकते हो 1 माइनस
टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा वाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा वाई टू। तो आपको इसमें ओनली टेन अल्फा प्लस बीटा वाई टू स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है, तो उसको चलो सेपरेट सॉल्व करते हैं अपन। टेन अल्फा प्लस बीटा वाई टू, आप टू से सेपरेट डिवाइड करो, तो दिस इज टेन ऑफ अल्फा वाई टू प्लस बीटा वाई टू, तो दिस इज टेन ऑफ ए प्लस बी। तो क्या होगा बोलो, ये आ गया टेन अल्फा वाई टू प्लस टेन बीटा वाई टू, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो आप 26 बाय 8 अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू। तो क्या आ गया बोलो, 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट 15 बाय 8। तो जब आप एलसीएम लेके सिंपलीफाई करोगे, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 से 8 कैंसिल, तो ये आ गया 26 अपॉन 8 माइनस 15 इज माइनस 7। तो दिस इज टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू लिखोगे माइनस 26 बाई 7। चलो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और अभी वैल्यू इधर पुट कर ले, तो 1 माइनस स्क्वायर करने पे प्लस, तो ये आ गया 26 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 26 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो एलसीएम कैंसिल आउट, तो फाइनली आ गया ये 7 स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पुट करनी है 49, और 26 के स्क्वायर की वैल्यू आप एक बार चेक करके देख लो साइड में, तो 26 को जब 26 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस इज 676। तो इसमें क्या होगा, 49 माइनस 676, तो ये आ जाएगा शायद 627। तो माइनस है तो क्या आ गया बोलो, माइनस के 627, और इसमें जब ऐड करोगे 49 को, तो 725 आ जाएगा, क्योंकि और दिख भी रहा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सभी ऑप्शन में सेम ही है बस, तो यही होगा। तो माइनस के 627 अपॉन 725, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ना, सही हो जाएगा इसका। तो सिंपल सा कुछ नहीं, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट पे हो गया ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें अच्छा क्या है, एक तो इसमें लिमिट के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, दूसरी बात ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए इसको समझने के लिए ना, क्योंकि जब अभी मैं बताऊंगा तब तो आसान ही लगेगा, लेकिन वो चीज सोच पाना उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को। देखो यहाँ बेसिकली क्या है कि एक रिकरिंग सीक्वेंस अपने को दिया हुआ, मतलब A1 से आप A2 निकाल सकते हो, A2 से A3 निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। अब इसको सिंपलीफाई कर, अभी तो एक हिंट और मौजूद है आपके पास कि हम अब इसको ट्रिगो में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस समय एक आइडिया हो जाता है कि ट्रिगो यूज हो गया, yes, yes। अदरवाइज इसको देख के सोच पाना ये कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। देखो यहाँ ये जो पैटर्न है ना बेटा, ये जो पैटर्न है देखो, 1 प्लस an/2 फॉर्मूले के जो पैटर्न होते हैं ना, उससे भी हमें हिंट मिलता है कई बार कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। अपने ट्रिगो में इस तरह का कोई फॉर्मूला देगा, अंडर रूट 1 प्लस something/2, तो वो होता है 1 प्लस cos 2θ/2। वन के साथ कुछ है तो आप हाँ इसको कोस थीटा में पुट कर सकते हो आप। मतलब हमें क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे an को ना कॉस की फॉर्म में लेना चाहिए, ओके। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि भाई जो an है अपना, एन वो है मान लीजिए कि कॉस, क्या ले इसको, कॉस ए ले लेते हैं एक बार समझने के लिए। तो एन प्लस वन क्या आएगा, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस cos a/2, जो कि सिंपलीफाई करने पर हो गया कॉस ए बाई टू अंडर रूट आ गया ना स्क्वायर। तो देखो ये रिलेशन जो है ना ये बड़े काम का है, कि एन अगर कॉस ए है तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें कॉस ए बाई टू होगा, एंगल हाफ हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से इसको कैसे करें, तो ये जो सीक्वेंस अपना आप यहाँ देखिए, वैल्यू ए जीरो से स्टार्ट हो रही है ना, एन का वैल्यू जीरो पुट किया गया, तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं लेट ए जीरो इज इक्वल टू कॉस थीटा, यस। तो अब बताओ कि अगर ए जीरो को कॉस थीटा मानेंगे तो ए वन क्या आएगा, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें यहाँ से, तो एंगल हाफ हो जाना है, सो व्हाट विल बी गेट, कॉस थीटा बाई थीटा बाई 2। ऐसे अगर मैं ए टू निकालूं तो एंगल और हाफ हो जाएगा, और वो हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 पावर 2 एंड सो ऑन, ओके।
यही देख लीजिए बच्चों, अगर हम ए एन निकालें तो वो क्या हो जाएगा, तो दैट इज कॉस थीटा बाय टू पावर एन। ओके अब यहां चले डिनोमिनेटर को पकड़ते हैं पहले ना, ये तो आसान है, वन माइनस यहां वैल्यू डाल दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनली साइन थीटा बन जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है और यही इंफिनिटी तक जा रही है, तो इस टर्म को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई ए वन ए टू अप टू इंफिनिटी तक, इसको देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनफाइनाइट तक तो ऐसे लिख नहीं पाऊंगा, तो हम क्या करेंगे पहले इसको कहां तक लेंगे, एन तक लेंगे, और फिर इसमें हम लिमिट लगा देंगे एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये इसके बराबर हो गया प्रोडक्ट। और अब देखो क्या बन जाता है, ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए वन का वैल्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय टू, कॉस सॉरी ए वन कॉस थीटा बाय थीटा बाय टू, फिर कॉस थीटा बाय टू स्क्वायर, और ऐसे करते करते बच्चों लास्ट में आएगा कॉस थीटा अपॉन टू पावर एन। अब ये जो कोसाइन की प्रोडक्ट सीरीज है राइट, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और आई थिंक आप सबको पता होगा इसका रिजल्ट क्या होता है, तो वो रिजल्ट डायरेक्टली अपन लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, सुनिएगा ध्यान से, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये सीरीज कब लगती है, जब कोसाइन में प्रोडक्ट हो और एंगल जो है दे मस्ट बी या तो वो डबल होते हुए होने चाहिए या हाफ होते हुए होने चाहिए, तो अभी आप इधर से देखेंगे तो हाफ होते हुए नजर आएंगे ना, इसका आधा ये इसका आधा ये एंड सो ऑन, तो सबसे छोटा एंगल है ये। तो देखिए मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि सबसे पहले तो क्या करना है, ऊपर आएगा साइन और जो सबसे बड़ा एंगल है उसका डबल, तो इसका डबल करोगे तो साइन थीटा थीटा, फिर जो सबसे छोटा एंगल है थीटा बाय टू पावर एन इसका साइन आएगा यहाँ पे, और आएगा साथ में टू की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी टर्म्स है यहाँ पे, मतलब कितने कॉस है, एन एन टर्म का प्रोडक्ट है ये, तो एक ही टर्म है वैसे तो, बट ये एक ही टर्म जो है एन टर्म का प्रोडक्ट है राइट, तो ये बन गया अपने पास। अब इसमें लिमिट लगानी है, देखो अगर मैं यही लिमिट डाल दूं बच्चों तो आप देखिए ये इन्फिनिटी बन जाएगा है ना, साइन थीटा बाय इन्फिनिटी दैट विल बिकम जीरो। ओके और इधर भी देखिए ये जीरो साइन के अंदर जीरो बन रहा है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई, तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब अच्छी बात ये कि साइन के अंदर जीरो बन रहा है, तो जब साइन में जीरो बन रहा है तो हम स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इसके नीचे यही टर्म जो इसके अंदर डिप्लाइड ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसको एडजस्ट करने के लिए मैं ये टर्म यहाँ पे डिवाइड ऐसे कर लेता, ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल आउट हो गई। अब जैसे लिमिट अप्लाई करोगे दैट विल बिकम साइन थीटा, साइन थीटा देखो इसमें तो एन है ही नहीं, एन यहाँ है, तो दिस विल बिकम साइन जीरो बाय जीरो। ओके सो ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गई वन, और यहाँ रह गया केवल थीटा थीटा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ए वन ए टू करके अप टू ए इन्फिनिटी तक, ये किसके बराबर होगा भाई, साइन थीटा बाई थीटा के। अब ये वैल्यू उठा के अपन यहाँ फुट कर देते हैं, तो देखिए क्या बचेगा अपने पास, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, cos कर लेते हैं सर के साथ, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए नॉट को cos थीटा पुट करना है, तो ये आ गया sin थीटा अपॉन में आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो क्या जाएगा बोलो, sin थीटा अपॉन थीटा, इससे sin से sin कैंसिल और थीटा को न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो दिस इज cos थीटा। अब देखो आपने cos थीटा तो लेट किया था क्वेश्चन में, तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी ए नॉट के इक्विवेलेंट है, तो देखो ऑप्शन भी आपको ABC satisfy the relation, मतलब आपको ABC में relation check करना है कि which relation satisfy करेगा इसको, तो simple question है, quadratic के root आपके पास sin cos है, तो sum of root क्या होगा बोलो, sin theta plus cos theta is b by a, तो minus b को लिखोगे plus b, क्योंकि formula में already minus होगा, sorry minus b by a, और product root होगा sin theta into cos theta is c upon a। अब बेसिकली आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इन बोथ इक्वेशन से आपको ओनली साइन और कॉस को एलिमिनेट करना है, तो सिंपल मेथड इसके लिए जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो साइन स्क्वायर कॉस कर दो वन, और टू साइन कॉस के लिए साइन और कॉस के मल्टीप्लाई की वैल्यू पुट कर सकते हो c upon a, तो आप इसकी स्क्वायरिंग करो
तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं अपन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो वन होगा, प्लस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन कोस की वैल्यू क्या होगी बोलो, सी वाई ए इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब जब आप इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया बोलो, ए स्क्वायर प्लस टू ऑफ ए सी या टू ऑफ सी ए लिख सकते हो इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपका रिलेशन है। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जेई में आया हुआ है पहले भी है ना, और बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए एक्स से शुरू करता है, एक्स क्या है अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखो बच्चों, एन का वैल्यू जीरो डालोगे यू गॉट वन, एन का वैल्यू वन डालोगे देन यू गॉट कॉस स्क्वायर थीटा, फाइव प्लस एन का वैल्यू टू डालोगे कॉस पावर फोर फाइव, फिर कॉस पावर सिक्स फाइव एंड सो ऑन, और कब तक करना ये सब इनफाइनाइट टर्म। तो ये अब आप समझ ही गए होंगे, दिस इज इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी है और उसका कॉमन रेशियो है कॉस स्क्वायर फाइव। देखो सवाल में जो कंडीशन दी हुई ना अपने को कि थीटा की वैल्यू जीरो से पावर टू के बीच में है, तो अगर जीरो से पावर टू में है तो कॉस स्क्वायर फाइव जो है वो वन नहीं होगा, दैट शुड बी लेस देन टू वन, और ये बहुत जरूरी है इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करे कि उसका जो कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड वन से छोटा होना चाहिए। तो बिल्कुल हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये क्या बन जाएगा, दैट इज वन डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉमन रेशियो विच इज स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, इसको फाइनली आप लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास x और फाइव की फॉर्म में। अब आते हैं देखिए y की फॉर्म में कि क्या दिया हुआ है, y देखो क्या है, अभी दोबारा से ये सब करने की जरूरत नहीं, देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि cos फाइव की जगह साइन फाइव है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, this is 1y and this will become 1 upon cos square 5 cos square 5। तो ये phi और y में relation आ गया second। ऐसे ही अब यहाँ आ जाएगी ये जो z दिया हुआ है, तो अब वही बात इसको और इसको compare करोगे तो आप पाओगे कि इसमें cos phi की power 2n था, यहाँ पे देखो cos और sin दोनों के product की power 2n है, तो similarly ये भी क्या बनेगी gp बनेगी infinite, और इसका भी sum क्या आएगा 1 minus cos square phi की जगह आपको लिखना होगा cos square phi into sin square phi। ये तीन रिजल्ट अपने को मिल गए, करना क्या देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में x y z में रिलेशन चाहिए, दैट मींस phi नहीं चाहिए मुझे, सो वी हैव टू एलिमिनेट phi, तो यहां से phi की वैल्यू निकालो यहां डाल दो, देखो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 by z equal to 1 minus cos square phi 1 upon y, यहां से देखिए ना 1 upon y y, फिर साइन स्क्वायर फाइव वन बाई वन बाई एक्स, बस अब इसको सिंपलीफाई कर लो आंसर आ जाएगा, इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो सीधी सी बात है, तो वाई यहाँ आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस जेड, और अब ऑप्शन मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आई थिंक एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड हो गया सेकेंड ऑप्शन, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये आपका सेकेंड ऑप्शन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्रिगो तो कम यूज हुई है, यहाँ ज्यादा किसका यूज हुआ है इनफाइनाइट जीपी के सम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज पाई एंड टेन एक्स इंटू टेन जेड टू एंड टेन वाई इंटू टेन जेड इज 18 देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर जेड। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए आपको, ये इसमें सेम थिंग यूज कर सकते हैं, अभी किया था अपने स्टार्टिंग में कि x plus y plus z आपका पाई है, तो अगेन आप 10x plus 10y plus 10z equal to multiply of this part 10x into 10y into 10z, ये लिख सकते हैं। अब इसमें देखें आप 10x into 10z की वैल्यू गिवन है आपको 2, तो राइट साइड में आ गया 2 10y और इधर प्लस 10y है, तो उसको शिफ्ट किया तो आ गया दिस इज ओनली राइट साइड में 10y, तो एक रिलेशन मिल गया आपको 10x प्लस 10z इक्वल टू 10y। अब देखते हैं अपन क्या करते हैं, आपको 10 स्क्वायर z फाइंड आउट करना है, तो देखो जरा
इसमें टेन एक्स टेन वाई टेंजेंट ऑल थ्री प्रेजेंट है। तो इसको देखो आप, ये टेन एक्स टेंजेंट है, ये टेन एक्स टेन वाई टेंजेंट है। तो आप बेटा दिस इक्वेशन को दिस पार्ट से क्या करो, डिवाइड। देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, टेन एक्स टेंजेंट अपॉन टेन वाई टेंजेंट, तो क्या होगा, टेंजेंट कैंसिल, तो दिस इज टेन एक्स अपॉन टेन वाई इक्वल टू टू वाई एटीन वन बाई नाइन। अब आप इससे क्या कर सकते हो, सॉरी टेन जेड लिखना था, मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे टेन वाई अपॉन नाइन, तो इन दोनों का रेशियो सेम है तो इसको लेट करो लैम्डा, इससे सिंपल हो जाएगा। तो टेन एक्स तो आ गया लैम्डा और टेन वाई आ गया नाइन लैम्डा, इससे टेन एक्स इज लैम्डा एंड टेन वाई इज नाइन लैम्डा। आपको टेन जेड फाइंड आउट करना है तो टेन एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो आप लैम्डा प्लस इधर टेन वाई की वैल्यू नाइन लैम्डा। अब टेन जेड की वैल्यू के लिए काम करो ना, इसमें टेन एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं लैम्डा, तो टेन एक्स को जब लैम्डा पुट करोगे तो टेन जेड भी क्या गया टू अपॉन लैम्डा, तो टेन जेड को पुट कर सकते हो आप टू वाई लैम्डा इक्वल टू टेन वाई इज नाइन ऑफ लैम्डा। इसको लैम्डा से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू नाइन लैम्डा स्क्वायर, देन एट लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा टू। तो इससे आपको लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है वन बाई फोर। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, टेन स्क्वायर जेड, तो टेन जेड आपका कितना था बोलो, इससे टेन जेड की मिली थी आपको टू वाई लैम्डा, तो टेन स्क्वायर जेड क्या होगा बोलो फोर वाई लैम्डा स्क्वायर, और वन वाई लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं इससे फोर, तो फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सिक्सटी सेकेंड। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। If P is equal to this and Q is equal to this, अब देखो यहाँ P का तो fixed value है, वो दिख रहा है ना, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ देखिए ये सीरीज है, राइट, तो इस सीरीज को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा गौर से देखोगे ना तुम, तो तुम ऐसा पाओगे कि सीरीज की जनरल टर्म में, जैसे मान लीजिए कि ऊपर अपने पास एंगल है अल्फा, तो नीचे जो एंगल है कॉस के अंदर वो क्या है, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करने पर यार, दैट मीन्स ये क्या है थ्री अल्फा। तो पहले हमें इस टर्म को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। देखिए ये जो स्टैंडर्ड सीरीज के पैटर्न है अपने, साइन सीरीज को साइन सीरीज या प्रोडक्ट वाली को साइन सीरीज, वो नहीं है, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमारे पास एक ही टेक्निक बच जाती है सीरीज सॉल्व करने की, जिसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज, यानी हर एक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करने वाले। तो उसके लिए अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद तो सब कुछ फ्लो में हो जाएगा, क्योंकि ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। तो कुछ प्रैक्टिस आपकी हेल्प कर सकती है चीजों को देखते ही फॉर्मूले समझने में। इसको हमें 2 cos अल्फा से मल्टीप्लाई यहाँ कर देना चाहिए ऊपर नीचे। अब इसके बेनिफिट देखिए क्या हुआ, नीचे तो रह गया भाई 2 cos अल्फा cos 3 अल्फा, ऊपर देखिए ये हो गया sin 2 अल्फा, ये अल्फा है सॉरी, दैट विल बिकम sin 2 अल्फा 2 अल्फा। और अब देखिए इन दोनों एंगल का डिफरेंस है 2 अल्फा, राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों sin 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 टाइम कॉस अल्फा कॉस 3 अल्फा, दैट कैन बी रिटन हाफ ऑफ, हाफ को तो साइड में करो, इसको ओपन कर लो। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगी, साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा, उसको इससे डिवाइड करोगे ना तो कॉस अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अपने को मिलेगा सर टेन 3 अल्फा 3 अल्फा, और माइनस अगली टर्म में आएगा cos 3 अल्फा और sin अल्फा, तो इस बार cos 3 अल्फा कैंसिल आउट होगी बचेगा 10 अल्फा। तो ये पैटर्न आया, देखो ये पैटर्न मदद करेगा हमें q सॉल्व करने, और इसकी हेल्प से बहुत इजीली q अपनी जो सॉल्व होके देखो ऐसे बन जाएगी, q इज इक्वल टू सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेके n तक, और इस टर्म को उस टर्म को अगर कंपेयर करो तो अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है 3 पावर r थीटा, तो रिजल्ट में भी यही डाल दो, तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा इसको 1 बाय 2, हाँ अभी इसको बाहर निकाल के उधर ले जाएंगे अपन, 3 अल्फा कितना हो जाएगा 10 3 की पावर r प्लस 1 थीटा थीटा माइनस माइनस 10
थ्री पावर आर थीटा, ये ऐसे बन गया। टू को कॉमन ले सकते हैं सिग्मा में से और बाहर ले जाओ क्यू के पास, तो ये तो हो गया टू क्यू। इसको आप ओपन कर दीजिए, देखिए अगर आपने इस तरह के सवाल किए तो आप डायरेक्टली यहीं पे देख के बता सकते हैं कि लास्ट में बचेगा क्या, नहीं तो ओपन करके देख लीजिए ना। आर का वैल्यू वन डालिए, देन यू गॉट टेन थ्री थीटा, थ्री थीटा माइनस टेन थीटा, यस अगली टर्म बन जाएगी टेन नाइन, आर का वैल्यू वन डालेंगे तो नाइन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा, उससे अगली वाली टर्म बन जाएगी टेन 27 थीटा माइनस 10 9 थीटा एंड सो ऑन, और ऐसे चलते चलते अपनी लास्ट टर्म बनेगी 10 3 पावर n प्लस 1 थीटा माइनस 10 3 पावर n थीटा। ये जब हम n पुट करेंगे, और अब देखिए जो सर इस टेलीस्कोपिक सीरीज में होता है कि ब्रैकेट की ये एक टर्म अगले ब्रैकेट की एक टर्म से कैंसिल आउट हो गई, सिमिलरली ये टर्म कैंसिल आउट हो गई इससे, ये आगे से कैंसिल आउट हो जाएगी, ऐसे ये अपने पीछे वाले ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी ये वाली टर्म यानी कि 10 3 की पावर n प्लस 1 थीटा माइनस 10 10 थीटा, दिस इज और दैट इज इक्वल टू p, ये p ही गिवन है, तो ये लीजिए जी p बराबर आया 2q, सो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट करेक्ट हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में ये पैटर्न बहुत कमाल का है ना, जो टेलीस्कोपिक सीरीज वाला है, इसके कुछ एग्जांपल डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं जल्दी से। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 अपॉन 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो जनरली ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने की ट्राई। तो चलो एक बार इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक में देखते हैं कि कर सकते हैं क्या। तो sec स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो चलो 10 स्क्वायर आ गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, लेट जेड इक्वल टू 1 अपॉन 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर अपन चाहेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा को 1 बाई 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वो देखते बाद में। तो ये आ गया सिंपलीफाई करने पे 1 अपॉन देखो 5 10 स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा, तो 4 10 स्क्वायर थीटा, 4 10 स्क्वायर थीटा, और इससे मिलेगा 4 कोट स्क्वायर थीटा। तो काम करते हैं 4 भी कॉमन लेते हैं इसमें से, तो 4 10 स्क्वायर प्लस 4 कोट स्क्वायर में से 4 कॉमन लोगे तो क्या आ गया, 4 कॉमन लेने पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और रिमेनिंग टर्म क्या होगी प्लस 5 और प्लस 4 इज 9। अब इधर देखें आप, इसकी जो रेंज है वो ओनली डिपेंड्स ऑन दिस पार्ट 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आपसे 1 अपॉन दिस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब जेड की मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन मिनिमम इज मैक्सिमम। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की आपको मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के टू ऑप्शंस है अपने पास, एक तो सिंपल सा ऑप्शन क्या है कि बोथ आर पॉजिटिव टर्म और एंड रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो डायरेक्टली आप am ग्रेटर देन gm को यूज कर सकते हो, और हमें याद भी रहता है जनरली किसी भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल के लिए am ग्रेटर देन gm कर सकते हो, हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही आता है ये लगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √ab, तो ये आ जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू 2। और याद रखें आप कि x + 1 / x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अगर x पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 लोगे तो 4 टू 8 + 9 1 / 17, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। या फिर क्या कर सकते हो आप कि अगर am gm का आईडिया ना हो तो इस tan स्क्वायर + cos स्क्वायर को आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो ना, क्योंकि होल स्क्वायर की भी मिनिमम वैल्यू 0 होती है बेटा। तो tan स्क्वायर + cot स्क्वायर को लिख सकते हो tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं 1 अपॉन 4 ब्रैकेट में tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस, देखो स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आ गया tan स्क्वायर + cot स्क्वायर माइनस 2, तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है बोलो प्लस 2, और लास्ट में लिखना है प्लस ऑफ 9। तो देखें आप जेड की वही मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे,
भाई इसकी जो रेंज है वो डिपेंड्स ऑन दिस पार्ट। तो होल स्क्वायर की मिनी वैल्यू अपन 0 पुट कर सकते हैं, तो 0 पुट करोगे तो क्या गया 4 to 8 plus 9 is 1/7। अब सर इसमें क्वेश्चन आता है कि माइनस ही क्यों यूज करते हैं अपन, 10 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस में क्यों नहीं कन्वर्ट करते बच्चे? हाँ क्या कहना चाह रहे भाई, अगर जैसे आपको होल स्क्वायर बनाना है इसको, तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्यों बनाया इसको, प्लस क्यों नहीं बनाया इसमें भाई? 10 प्लस 4 का स्क्वायर भी तो लिख सकते ना। हाँ, क्योंकि अपने को मिनिमम 0 भी तो लाना ना। हाँ, स्क्वायर करके अगर आप 10 थीटा प्लस cot थीटा लिख दोगे तो वो वैल्यू तो हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। यस, या माइनस 2 या उससे छोटी होगी, तो उस केस में फिर स्क्वायर करने को कर सकते हैं। बट आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे मान लो इसको प्लस में बदल देना तो बेटा फिर ऐसा होता है, जैसे 10 थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर ऐसे बदलते तो ये जो वैल्यू है इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा 1/4 कितना होगा, सॉरी 4, क्योंकि 10 थीटा प्लस cot थीटा रेसिप्रोकल है। तो वही वाला कांसेप्ट जो अपन ने भी पहले डिस्कस किया था कि ये वैल्यू आप इसको 2 से बड़ी कर सकते हैं डायरेक्ट। हां, तो उसका स्क्वायर फिर 4 से बड़ा होता, तो फिर 4 पुट करके और फिर आंसर निकाल सकते थे। तो वहां स्क्वायर क्वांटिटी का वैल्यू 0 नहीं होगा, स्क्वायर क्वांटिटी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 होता है, लेकिन वो तब होता है जब अंदर वाली वैल्यू माइनस हो सकती है, अंदर वाली वैल्यू 0 हो सकती है। अब ये 0 होगी नहीं, फिर तो वैसे बदल के करोगे तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, फिर 4 पुट करना पड़ेगा आपको, उसमें ये लेना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें सभी। उसको क्या है इसका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। चलिए अगले उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस पावर 4 बीटा प्लस 2 बराबर ये है, और इसका वैल्यू मुझे निकालना। देखो देखो बच्चों, पहली बात तो ये है ना, जब भी ऐसा दिखाई देता ना मेरे को कि एक इक्वेशन है और उसमें वेरिएबल एक से ज्यादा है, जैसे एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है, तो पहली थॉट यही क्लिक करती है कि ये सीधे सीधे स्टेप सॉल्व करने से नहीं बनेगी इक्वेशन, क्योंकि सीधा सा फंडा है जितने अननोन वेरिएबल हो उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन हो तभी सॉल्व करने पे बात बनती है। तो ऐसे में बात बनती है या तो किसी इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से या फिर दोनों साइड रेंज के कंपेरिजन से, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे किस तरह से बात बनेगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है देखो, वो है कि इधर मेरे पास साइन अल्फा और कॉस बीटा का सम है एक तरह से उनके पावर का, और इधर उनका प्रोडक्ट है। तो सम और प्रोडक्ट में एक इनइक्वलिटी का रिलेशन है जिसको अपन सब लोग जानते हैं कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो देखो यहाँ चार है, इससे डिवाइड करूंगा मैं, तो इधर मैं 4 टर्म बना लेता हूँ। पहले साइन पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस पावर 4 बीटा प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। और इधर जो है, या चलो एक बार ये 4 टर्म देखो, इन चारों टर्म का ये हो गया अर्थमेटिक मीन। इनका ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, पावर हो जाएगी 1/4 और इनका प्रोडक्ट, इनको प्रोडक्ट करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ साइन पावर 4 अल्फा कॉस पावर 4 बीटा, ऐसा कुछ आपको ये मिल जाना है। ओके, अब देखो यहाँ ध्यान से, 4 पावर 1/4 करोगे रूट 2 आ जाना, ये पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 को आप इधर ले आओ तो आपको मिला साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 4 टाइम कॉस टू द पावर 4 बीटा प्लस 2, और इधर बन जाना बच्चों यही टर्म जो आपको ऊपर दी हुई है ना। अब यहां जो सोचने वाली बात है वो क्या है कि भाई अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल आ रहा है, यस करेक्ट। अब ये इसके इक्वल कब होगा, यहां इक्वलिटी होगी तो यहां भी, यहां भी, यहां भी होनी चाहिए एम इक्वल, और एम बराबर जीएम कब होता है, बहुत अब यहाँ पे आपको ये भी जवाब मिल सकता है ना कि अपन ने इस 2 को 1 और 1 क्यों लिखा। देखो अगर मैं इसको 2 लिखता तो फिर यहाँ इक्वलिटी नहीं आती कभी भी, क्योंकि साइन पावर 4 अल्फा ना वो 2 के बराबर हो ही नहीं सकता। इक्वलिटी नहीं आती तो हम बात बना भी नहीं पाते, क्योंकि यहाँ हमें इक्वलिटी चाहिए होगी। अब यहाँ से बच्चों में वैल्यू मिल जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा की और कॉस स्क्वायर बीटा की। एक बार इसको यहाँ छोड़ते हैं, अब जो टर्म चाहिए उसको पकड़ लेते हैं, किसका वैल्यू निकालना भाई, ये रहा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इसको सिंपलीफाई करूं, yes, उससे बेटर है कि मैं यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लूं, है ना, और वो इसको अपन यहाँ डाल देते हैं। yes. तो
तो ये तो दिख ही रहा है अपने को कि इसकी पावर 4 करने पे 1 आ रहा है, तो अल्फा तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई में लेने हैं अपन। हां जी, और बीटा जो है वो आएगा देखो प्लस माइनस 1/√2। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, पाई बाय 4 और पाई बाय 4 और 3/√2। यस राइट। लेकिन देखो 3/4 लेने पे क्या परेशानी होगी, अगर आप 3/4 लेते हो और यहाँ यूज करते हो, देखो यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और थी कि यहाँ जब हम कॉस पावर 4 कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ मॉड लगाना चाहिए। yes. राइट। तो अगर मैं डायरेक्टली 3/4 यहाँ पुट करूँ तो ये क्वांटिटी तो नेगेटिव बनेगी और वो पॉजिटिव बनेगी, तो वो बराबर हो ही नहीं सकते, यानी ये पॉसिबल आंसर नहीं है। अब ये दोनों वैल्यू उठा के आप यहाँ डाल दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो कॉस 3/4 यानी कि -1/√2। रेडी करना है इसमें, तो बिल्कुल माइनस, यहाँ अल्फा में से बीटा सब्ट्रैक्ट करोगे पाई बाय 4, तो ये भी 1/√2, तो दोनों मिला के हो गए भाई -√2। तो अपना आंसर हो जाएगा 3। ओके, तो इस तरह से कुछ सॉल्व होगा ये AMGM पे बेस्ड है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन शायद IIT में है, वो क्वेश्चन देखो उसको। हाँ जी, कॉस थीटा माइनस अल्फा कॉमा कॉस थीटा कॉमा कॉस थीटा प्लस अल्फा आर एन एच पी देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा सेक अल्फा बाई 2। तो चलो करते हैं इसको। तो जैसे लेट दिस इज ए, दिस इज लेट बी एंड दिस इज लेट सी। तो मेंशन है आपका ए बी सी आर एन एच पी देन सेकेंड टर्म इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी। ये कंडीशन आपको रिमेंबर दिस। तो चलो ए बी सी की वैल्यू पुट करें इसमें, तो क्या आ गया बोलो, कॉस थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस अल्फा थीटा माइनस अल्फा cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन a प्लस सी। तो cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा प्लस अल्फा। अब इसके बाद आपको देखो फॉर्मूले यूज करने हैं। ये सिंपल सी बात है, इसको सिंपलीफाई करके cos थीटा और sec अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करना, मतलब अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये तो सिंपल फॉर्मूला बन गया न्यूमेरेटर में, cos ऑफ a माइनस b इनटू cos ऑफ a प्लस b। तो डायरेक्ट यूज करोगे तो बेटर होगा इसमें। तो cos a माइनस b इनटू cos a प्लस b को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो सिंपल cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो चलो एक बार यूज करो इसको। तो दिस इज cos थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। चलो इसको एक काम करो, ब्रैकेट में लिखें आप, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी sin स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू 2 ब्रैकेट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2। तो प्लस करने पे अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 2 थीटा बाई 2 इज थीटा, और नेक्स्ट क्या होगा cos ऑफ c माइनस थीटा बाई 2। तो c माइनस d करने पे क्या आ गया, माइनस 2 अल्फा बाई 2 इज माइनस अल्फा, बट cos के अंदर माइनस को रिमूव कर सकते हैं, तो दिस इज cos अल्फा। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा, cos से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया cos स्क्वायर थीटा cos alpha equal to cos square theta minus sin square। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें आप, तो देखो क्या बेनिफिट होगा, जब आप cos square theta को लेफ्ट में लाके कॉमन लोगे तो अगेन 1 के साथ cos आ गया, तो अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हाफ एंगल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें अल्फा चाहिए भी हाफ एंगल। cos square theta को लेफ्ट में कन्वर्ट करके इन दोनों में cos square theta कॉमन लो, तो दिस इज cos अल्फा माइनस 1 इक्वल टू माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। वही कार्यक्रम की 1 के साथ कोस है, तो पहले कोस 1 को कैंसिल कर सकते हैं, तो कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जब भी कोस और 1 नेगेटिव में हो तो साइन का फॉर्मूला यूज करो, पहले इसको कैंसिल कर ले, ये भी हो जाएगा सर बाद में, नहीं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा ओके उससे भी जाएगा। हाँ। चलो अभी देख पहले बदल, पहले हाफ एंगल में बदल, हाँ। पहले कैंसिल कर लो इस, इसकी बात आप इसमें भी ये करना है, इसको भी हाफ एंगल में लाना है, तो साइन अल्फा को लिख दो आप 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो सिंपल हो जाएगा उससे। तो ये वाला पोर्शन अपन रिमूव कर देते हैं एक बार इधर से,
तो क्या आ गया देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको डायरेक्ट लिख दो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन से वन कैंसिल, तो ब्रैकेट में आ गया माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इक्वल टू माइनस। इधर देखो ये क्या है, साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और साइन अल्फा का फॉर्मूला आप अगेन हाफ एंगल में यूज करो तो क्या लगोगे बोलो, टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और इसकी जब स्क्वायरिंग करोगे तो दिस इज फोर साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। देखो इसको क्या बेनिफिट होगा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू से साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कैंसिल, और माइनस से माइनस, और एक टू से टू कैंसिल कर सकते हो, तो रिमेनिंग पार्ट आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू को डिनोमीटर में शिफ्ट करो, और अगेन न्यूमीटर में शिफ्ट किया लेफ्ट में, तो क्या गया बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू इज टू, आपको कॉस थीटा इंटू सेक अल्फा बाई टू को फाइंड करना है, तो इसका बोथ साइड क्या लो स्क्वायर रूट, तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या गया बोलो, कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर स्क्वायर तो कट जाए, सॉरी स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, सेक अल्फा वाई टू, तो जब भी स्क्वायर रूट लेना है तो क्या लिखते हैं प्लस माइनस, इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट टू, तो दिस पार्ट की जो वैल्यू वो क्या होगी प्लस माइनस रूट टू, सेकंड ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बच्चों, ओके, इफ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा आर इन एपी, तो स्टार्ट करने से पहले जो कंडीशन उनको अप्लाई करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि साइन अल्फा प्लस साइन गामा इसका वैल्यू होगा टू टाइम साइन बीटा के बराबर। चलिए देखेंगे इसको, फिर क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर इन जीपी, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस अल्फा कॉस इनटू कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए अब जो टर्म लेके आनी है इसको देखते हैं, इसमें देखो आप एक तो देखो भाई ये कॉस अल्फा कॉस गामा दिख रहा है आपने, है ना, अपन डायरेक्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब ये जो बची हुई टर्म है इसको और इसको गौर से देखो, तो अगर देखो मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो उससे मुझे टू साइन अल्फा साइन गामा मिलेगा, तो मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड, तो अपने को मिलेगा देखो बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस टू साइन अल्फा साइन गामा इज इक्वल्स टू फोर साइन स्क्वायर बीटा, करेक्ट, और इसको अब हम बदल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी वन माइनस कॉस स्क्वायर, राइट, तो मैं दाएं बाएं कर लेता हूँ टर्म को, देखिए इधर वन और वन मिला के टू हो गया, टू इस टर्म को इधर ले आता हूँ तो माइनस फोर साइन स्क्वायर बीटा हो गया, बची सब टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, सॉरी माइनस इसको उधर लेके गए ना, तो माइनस टू साइन साइन अल्फा साइन गामा साइन गामा। अब देखो ये टर्म एज इट इज अपने पास यहाँ रखी हुई है, ओके, और ये वाली टर्म है अपने पास ये रही, ओके, तो यही वैल्यू, अच्छा देखो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर बीटा है तो कन्वर्ट साइन स्क्वायर बीटा में करना है, तो इसको भी अपन क्या लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये सब डाल दो इसमें, तो ये ऐसे बन जाएगा जो अपनी गिवन टर्म है, सो गिवन टर्म विल बी, देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले तो इसी को देख लो आप, ये और ये मिला के बन गई टू माइनस फोर साइन साइन स्क्वायर बीटा, ओके जी, प्लस अब ये देखो इसको फोर से मल्टीप्लाई करना भी, हाँ, तो ये बन जाएगी प्लस फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर बीटा, माइनस और भी कुछ बचाओ माइनस टू, यस, और डिवीजन में है वन माइनस टू साइन स्क्वायर, तो ऐसे कंप्लीटली मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया साइन स्क्वायर बीटा की फॉर्म में, ध्यान दीजिए ऊपर कितना आएगा, देखिए चार ये हैं दो कैंसिल हो गए टू माइनस, अच्छा ये और ये सेम हो गया, और इसमें से भी टू कॉमन आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा फोर टाइम वन माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा, यस, और ये कैंसिल हो गए, और ये डिनोमिनेटर में भी यही पड़ा हुआ है, तो भैया ये कैंसिल हो गए, अब का आंसर हो गया फोर ऑप्शन में ये, और तो चलेगी,
फोर है, तो बहुत सिंपल सा एपी और जीपी की जो थ्री टर्म वाला कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। इफ एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कोस थीटा इक्वल टू टू जेड टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो देन आपको टू जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ ओनली एक्स एंड वाई। तो चलो देखते हैं एक बार। तो ये ध्यान रखें सभी, इसमें दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस गिवन है, तो इसको आप कंसीडर करो अगेन लैम्डा। इसको जब भी ऐसे तीन या दो टर्म प्रोपोर्शन में गिवन हो, प्रोपोर्शनल टर्म हो, तो ये बेस्ट कांसेप्ट है कि इसको लैम्डा मान लो। यस, तो देखो एक्स साइन थीटा लैम्डा है, तो इससे आ गया साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय एक्स, या फिर एडजेक्टिव रख सकते हो आप एक्स साइन इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली वाई कॉस थीटा को लैम्डा लोगे तो इससे क्या होगा बोलो, कॉस थीटा इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन वाई, या फिर एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो यूज करना है अपन को। और थर्ड और लास्ट की बात करोगे तो उससे आपको जेड की वैल्यू लिख लेते हैं, इससे जेड आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू टेन थीटा, क्योंकि इसमें अगर आप टेन थीटा की बात करो थोड़ा लेंथ हो जाएगा, करने को कर सकते हैं बदल साइन कॉस में बदल, आप टू टेन वन माइनस टेन स्क्वायर को टेन टू थीटा भी लिख सकते हैं, बट बाद में भी इसको करना पड़ेगा शायद, क्योंकि साइन कोस की वैल्यू आपको गिवन है। तो चलो एक काम करें, जिसकी वैल्यू पूछी गई इसको लेट आप एजिटी रखो, चलो टू जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें सभी, आप जो ऑप्शन है वो आपके एक्स एंड वाई में है, तो इसको तो आप रखो एजिटी, ओनली जेड को भी आपको एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इधर आओ, इसे साइन कोस की वैल्यू गिवन है आपको, तो साइन कोस को डिवाइड करोगे तो साइन वाई कोस क्या गया टेन, तो टेन की वैल्यू मिलेगी आपको इससे वाई वाई के, इससे आप डायरेक्ट टेन थीटा कह सकते हो वाई अपॉन एक्स, और टेन थीटा की वैल्यू को एक बार इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो देखो जेड क्या मिलेगा, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वन माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उसको एलसीएम लेने पे आ गए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जाएगा टू वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स। तो फाइनली क्या होगा, इससे एक एक्स तो कैंसिल हो गया, तो ये टू एक्स वाई एक्स, मतलब ये आ गया जेड की वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई, इसकी वैल्यू को आप इसमें पुट करें आप, तो क्या गया टू ऑफ ये जेड की वैल्यू पुट करोगे तो स्क्वायरिंग करना इसका, क्योंकि जेड स्क्वायर है, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा स्क्वायर, और इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, क्या लिखा था इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई, तो इसका स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आ गया, दिस पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई का स्क्वायर होगा फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ब्रेक मल्टीप्लाई में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट है कि लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो इस लैम्डा की वैल्यू को भी आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई पर करना है। तो देखे सभी, फर्स्ट सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दो, और क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वल, तो साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा वाई एक्स, और कोस थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन वाई को स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं। तो देखो लेफ्ट में क्या होगा, साइन स्क्वायर पर कोस स्क्वायर इज वन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ गया बोलो, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, इसका भी एलसीएम लो तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो इससे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर वाई पूरी टर्म है ना, हाँ सॉरी डायरेक्ट आप हाँ लैम्डा स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो उसमें वन, तो इसको जब वन पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कौन सा आंसर सही, इसका थर्ड आंसर ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में,
और जहां हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के और किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 20 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। गुड बाय। थैंक यू।